हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस के फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आए हैं। जो बारीकी से इसमें जो भी पहले पहला पार्ट का बचा हुआ था, उसका जो नेक्स्ट पार्ट का है वो वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव डैश करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या डैश हो सकती है, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल डैश वर्ष है, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक डैश सदन है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा अस्थाई सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। नेक्स्ट, रुपये पैसे से संबंधित विधेयक को डैश कहते हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा धन विधेयक, रुपये पैसे से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक डैश दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 14 दिन। धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को डैश नियुक्त करता है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाली संस्था डैश है, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा संसद, उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाली संस्था संसद है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह से की जाती है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कार्यपालिका का डैश प्रधान है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा संवैधानिक, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। स्टूडेंट्स, आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह से आपको लर्निंग पॉइंट ज्ञान केंद्र चैनल पर आपके क्लास के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है। आप अगर हर एक सब्जेक्ट का अगर चाहते हैं कि आप हम एक के बाद एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़े, तो प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट को क्लिक कर आप जिस विषय का भी आप पढ़ना चाहते हैं समय निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया और बुक का लगभग सभी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या डैश है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 31। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन डैश है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 1 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख है और ये समय समय पर बढ़ता ही है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन डैश है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 90,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 90,000 रुपये है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, डैश संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान डैश होता है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा डैश है, तो यहाँ 35 वर्ष भरा जाएगा, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के डैश के प्रति उत्तरदायी होती है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा विधानसभा, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति डैश के परामर्श से की जाती है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श या सलाह से की जाती है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विधानसभा के डैश प्राप्त दल या गठबंधन से नियुक्त किया जाता है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा बहुमत, मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन से नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का एक मुख्य कार्य डैश करना है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा मंत्रिपरिषद
का गठन, मुख्यमंत्री का एक मुख्य कार्य मंत्री परिषद का गठन करना है। नेक्स्ट, बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डैश है या रिक्त स्थान में भरा जाएगा 243। बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 243 है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हर एक चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स हो, चाहे तो साइंस हो, चाहे सोशल हो, चाहे तो हिंदी हो, तो प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट, विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 5 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा को निर्धारित समय के पूर्व डैश विघटित कर सकता है, यहाँ रिक्त स्थान में होगा राज्यपाल। राज्य विधानसभा को निर्धारित समय के पूर्व राज्यपाल विघटित कर सकता है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए डैश स्थान सुरक्षित है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 38 स्थान सुरक्षित है। नेक्स्ट, विधान सभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष है, यहाँ रिक्त स्थान में भराएगा 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए डैश स्थान सुरक्षित है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 9। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करता है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना डैश को भी, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 1 मार्च 1916। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का डैश रुपये मासिक वेतन मिलता है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 80,000। नेक्स्ट, जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश डैश है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा जिला सेशन जज। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों को डैश प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 7। नेक्स्ट, डैश में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, रिक्त स्थान में भरा जाएगा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, मतलब 1978 रिक्त स्थान में भरा गया। नेक्स्ट, विश्व में मानव अधिकार दिवस डैश को मनाया जाता है, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 10 दिसंबर। विश्व में मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संघ बनाने का अधिकार डैश संबंधी अधिकार है, यहाँ स्वतंत्रता होगा, संघ बनाने का अधिकार स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। नेक्स्ट, डैश से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खान या खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट, और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार डैश में मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा 2002। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 2002 में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।